नमस्कार दोस्तों, हम रामकलाश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करते हैं कि गाय के थन में दूध जम गया है और थन में सूजन है, थन में दूध भी बनना धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, क्या उपाय है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल सुझाव रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट किया तो हम रिप्लाई देंगे या तो उसके हिसाब से आपको हम वीडियो बना कर देंगे। तो दोस्तों आज अपने मेन टॉपिक्स पर कि गाय के थन में दूध जम गया है और थन में सूजन है और थन से दूध भी बनना धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा होता है, अक्सर देखने को मिल जाता है कि ऐसा हो जाता है, ऐसा होता कब है, जब उस थन से यानी उस छाती से हम दूध कई दिनों तक नहीं निकालते, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक ऐसा गैप हो जाता है किसी कारणवश। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे गाय के थन कट गया हो या कुछ और हिसाब से उसके थन में चोट लग गया हो या थन में दर्द हो उस छाती में, तब उस स्थिति में गाय जो है उस छाती को नहीं छूने देती, जिससे क्या है कि आप लोग दूध नहीं निकाल पाते और उस थन में दूध जम जाता है। तो उस स्थिति में आपको यही करना है कि कैसे भी कैसे करके उस थन में से आपको दूध निकालना है। बाकी आपको कोई उपाय या कोई देसी उपाय कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको यही करना होगा कि उस छाती यानी थन से कैसे भी करके आपको दूध पूरा निकालना है, तो लगातार दूध निकाल देना है। अगर आप नहीं निकालते तो थन भी खराब हो जाएगा, बाकी उसका कोई अन्य अलग से उपाय नहीं है। सिर्फ यही एक ही उपाय है कि उस थन से जितनी जल्दी हो सके आप उस थन से कैसे भी करके उसका जो है दूध निकाल कर हटा दें, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो दूध निकले उस दूध को अपने उस दूध में ना मिलाएं, क्योंकि उस दूध के कारण दूसरा दूध भी खराब हो सकता है और दूध फट भी सकता है, क्योंकि वो दूध कई दिनों का रहता है, इसके लिए वो उसका जो है अलग स्वाद रहता है, तो इसके हिसाब से उस दूध को अलग से ही निकाल कर फेंक देना है, उसको खाने लायक भी नहीं रहता है। तो दोस्तों इसमें कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही करना है कि उस दूध को किसी भी तरह से निकाल कर देना है आपको। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगातार आप दूध निकाल लेंगे उस थन से, वो थन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर हमारे अच्छा वीडियो अपलोड होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।